हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने चिकन बारबेक्यू ब्रेड कॉर्न्स बनाई। सिंपल सी रेसिपी है चिकन। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो नीचे मेंशन करती जाऊँगी। हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने पहले पैन को हीट करने के लिए रख दिया। उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा, थोड़ा ही ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। ज़्यादा ऑयल ऐड करोगे तो वो चिकन जो हमारे कॉर्न्स ब्रेड कॉर्न्स होंगे ना वो ख़राब जाएंगे। फिर हमने क्यूब फॉर्म में, छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में हमने चिकन कट करके उसके अंदर ऐड कर दी। चिकन को फ्राई करने के बाद हमने उसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करा। क्वांटिटी मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ऐड किया और मैंने फिर इसको अच्छी तरीके से सौते कर दिया ताकि चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से सारे एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर हमने इसको एक सेपरेट निकाल लिया। फिर हम सेकंड की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने 1 चॉप्ड बंद गोभी ली। हाफ मैंने चॉप्ड बंद गोभी ऐड करी थी इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर 1/2 चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करी, जिसको हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। मैंने चॉप बिल्कुल छोटी छोटी बारीक, आपको ना क्यूब फॉर्म में, बहुत छोटे क्यूब फॉर्म में आप उसको कट करनी है। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और 1 or 2 cup मायो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर मैंने इसके अंदर मायो को अच्छी तरीके से मैंने ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस आपको किसी भी ना सुपर स्टोर से आराम से ईजिली मिल जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करा और पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमारी चिकन में भी ऐड है और सॉसेज में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो मैंने सॉल्ट बहुत हल्का थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा और फिर जो हमारी चिकन थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। फिर अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है स्लरी बनाने के लिए। अब स्लरी के लिए हमने 1 टेबलस्पून मैदा का ऐड करा और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने उसकी स्लरी, इतनी गाढ़ी सी ना मैंने उसकी स्लरी, इतनी थिक स्लरी आपको उसकी बनानी है। फिर उसके बाद हमने ब्रेड ली अपनी, आप ब्रेड के कॉर्नर्स अच्छे से साइड से सेपरेट कर दो उसको कट करके। फिर आपको रोलर पेन से इसको अच्छे से फ्लैट कर दो ब्रेड को, ताकि अच्छे से ना ब्रेड आपकी फ्लैट हो जाए। फिर जो हमारी स्लरी थी उसके कॉर्नर्स पे लगा के हमने इसको ऐसी कॉन्स की शेप देनी है। ये आप वापस से देख लेना एक दफ़ा, क्योंकि मैंने उसको कॉन्स की शेप किस तरीके से दी है। फिर उसके अंदर जो भी हमारा मिक्सचर है, फिलिंग जो है, हमने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है कि आपको जो मसाला है वो अंदर की तरफ सही से चला जाए। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे इस तरीके से ना फोल्ड कर देना है कि ताकि ये सही से प्रेस हो जाए और ये खुले भी ना। ये हमारे कॉर्न बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पहले हमने इसकी कोटिंग करी, अंडा लिया, अंडे को हमने अच्छे से मिक्स करके रख दिया और ब्रेड क्रम्स लिए। पहले हमने इसको अंडे में अच्छे से कोट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है। मैंने इसकी सिंगल कोटिंग करी थी। अगर आप चाहो तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। अगर आपके जैसे कि ना ब्रेड आपकी खुल रही हो तो आप इसकी डबल कोटिंग करना, वरना इसकी सिंगल कोटिंग ही बेस्ट है। सिंगल कोटिंग करने के बाद फिर मैंने इसको, ये हमारी चिकन कॉर्न्स बिल्कुल रेडी हैं। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखा था ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर मैंने इसको ऑयल को हीट करके मीडियम टू लो हीट में आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपको इसने फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएगा। मीडियम टू लो, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करो और फिर इसको अच्छे से, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता ना ब्राउन, जब तक गोल्डन ब्राउन से आपके ये कलर हो आ जाए तब तक आपको इसको फ्राई करना है। और जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना बिल्कुल जैसा मेरे आपको दिख रहा है, फिर आपने इसको ऑयल से सेपरेट करके निकाल लेना। अच्छी तरीके से ऑयल स्टेन कर देना है ताकि जो ना आपका ऑयल जो सेपरेट हो जाए और उसके अंदर ऑयल भी ना हो। फिर आपको इसको आप सर्व करो एंड इट्स टोटली रेडी। और आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। इसको आप चिली केचप के साथ, नॉर्मल केचप, सॉस, जो भी आपको पसंद हो, यू कैन ईट इट विद दैट एंड इट्स टू गुड। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में मुझे लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज़।